राठौर, जिला हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। दिग्गी भी टकराया था, वापस नहीं आया था के नारे लगाते हुए पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को अपने रक्त से संदेश लिखकर मांग पूरी करने का किया आह्वान। मांग पूरी नहीं करने पर पटवारी संघ ने उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। नगर सरकार की हालत मुंह मियां मिट्टू जैसी हुई। भूमि पूजन हुए महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं किया ठेकेदार ने काम शुरू। गड्ढे खोदकर ठेकेदार ने छोड़े डोंगरे नगर के रहवासी, खुद ही सड़क के गड्ढों से परेशान। गहरे गड्ढे दे रहे हादसों को निमंत्रण। और ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने किया निरीक्षण। मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को सर्वे कर मुआवजा देने के लिए दिए निर्देश। ग्रामीण विधायक ने कहा कि कोई भी प्रभावित किसान परेशान न हो, उसका ध्यान रखे जिम्मेदार। शिकायत मिलने पर करेंगे सख्त कार्यवाही की भी दी अधिकारियों को चेतावनी। वर्षों से लंबित अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ ने अपने रक्त से संदेश लिखकर प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षण करवाया। अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदेश पटवारी संघ आह्वान पर जिला पटवारी संघ रतलाम द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया जा रहा है। लगभग एक माह होने आए पटवारी संघ की मांग पर शासन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, जिससे आक्रोशित पटवारी संघ ने कई प्रकार से शासन का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करवाने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत यज्ञ हवन करने के साथ ही कई सामाजिक कार्य भी पटवारी संघ ने किए। बावजूद इसके पटवारी संघ की वाजिब मांगों पर प्रदेश शासन कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। पटवारी संघ ने आज अपने रक्त से संदेश लिखते हुए शासन को जल्द से जल्द उनकी मांगों का निराकरण करने का आह्वान किया। साथ ही पटवारी संघ ने कहा कि यदि शासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम अपना आंदोलन और उग्र करेंगे। पिछले दो दिनों से पटवारी संघ भूख हड़ताल कर रहा है, वही आज रक्त से संदेश लिखकर पटवारी संघ द्वारा जमकर प्रदर्शन किया। डोंगरी नगर क्षेत्र में भूमि पूजन के बाद ठेकेदार ने सड़क खोद दी एवं महीनों बीत जाने के बाद भी उक्त ठेकेदार ने कार्य शुरू नहीं किया। कहने को तो नगर निगम द्वारा शहर में कई जगह पर विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन बारिश के मौसम में शुरू किए गए विकास कार्य क्षेत्र रहवासियों के लिए सहूलियत का मुसीबत का सबब ज्यादा बन गए हैं। शहर में विकास कार्य चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत करने के उद्देश्य से नगर निगम के महापौर द्वारा आनन फानन में कई जगह पर भूमि पूजन करते हुए विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्य की प्रगति बताने के लिए मात्र ठेकेदार ने औपचारिकता पूर्ण करते हुए सड़क को खोद कर रख दिया। आम जनता को यह लग रहा था कि जल्द ही अपने क्षेत्र में नई सड़क का निर्माण हो जाएगा, लेकिन निगम में बजट नहीं होने और निगम अधिकारियों की मनमानी कमीशन खोरी की वजह से ठेकेदारों ने काम बीच में ही छोड़ दिया। डोंगरे नगर क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर भूमि पूजन के बाद ठेकेदार ने सड़क खोद दी एवं महीनों बीत जाने के बाद भी उक्त ठेकेदार ने कोई विकास कार्य शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता को खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारी बारिश की वजह से खोदी गई सड़क हादसे का कारण बन गई। मुख्य सड़क किनारे 3 फीट गहरा खड्डा खोदकर निगम ठेकेदार ने छोड़ दिया। वहीं दूसरी कॉलोनी वासियों को भी सड़क पार करने एवं मुख्य सड़क पर आने के लिए सड़क ठेकेदार ने जगह तक नहीं छोड़ी।
मात्र 2 फीट की जगह पर मुर्रम डाल दिया, जिससे कि लोगों को आने जाने में दुर्घटना का भय बना हुआ रहता है। साथ ही 3 से 4 फीट गहरे खोदे गए गड्ढे की वजह से विगत दिनों एक ऑटो रिक्शा हादसे का शिकार हो गया। गनीमत तो यह रही कि ऑटो रिक्शा दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना निगम के जिम्मेदारों को जवाब देना मुश्किल पड़ सकता था। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि कई बार निगम के ठेकेदार से क्षेत्र की समस्या को लेकर तकाजा कर चुके हैं, बावजूद इसके सुनवाई नहीं होती है। क्षेत्रीय पार्षद बलराम भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया, सामने कॉलोनी वालों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, टेम्पो एक्सीडेंट हो चुका है 2 बार, गाड़ी नहीं। ये बात सही है, बाकी ये ठेकेदार को हमने चेता दिया, ठेकेदार कह रहा है कि प्लेम्बर जोड़ने का वो अहमदाबाद से आ रहा है, लेकिन अभी हमने स्पष्ट कह दिया ठेकेदार को कि भैया काम कर, क्योंकि अभी गत 2-3 दिन पहले जो बारिश हो रही थी उस कारण रिक्शा यहाँ पलटी भी खा गया था, फिर उसी बाद ये रात को 12:30 बजे मुहर्रम वगैरह डलवाया। यदि उसके पास इक्विपमेंट नहीं थे तो आपको नहीं लगता था कि भाई जब व्यवस्था होती तभी सड़क खोदना थी, सड़क खोद के रख दी और बन नहीं पा रही? हाँ, ये गलती है ठेकेदार की के उसके कहने अगर साधन नहीं थे पहले उनको ये करना था। तो आप क्या कुछ निराकरण हो सकता है, लोग परेशान? वो बोल रहे हैं कि मैं 2-3 दिन में काम चालू करने वाला हूँ। यदि नहीं होता है तो फिर क्या कुछ रहेगा? नहीं होता तो फिर हम अधिकारी से जिसे बात करेंगे, हमारे विधायक महोदय जी से बात करेंगे। पीपल खूंटा अंतर्गत खारी गांव में नाले के पानी से बर्बाद हुई फसलों के हाल जानने के लिए विधायक दिलीप मकवाना मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। गत दिनों में हुई तेज बारिश के चलते रतलाम ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पीपल खूंटा अंतर्गत खारी गांव में नाले के पानी से बर्बाद हुई फसलों के हाल जानने के लिए विधायक दिलीप मकवाना मौके पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही विधायक दिलीप मकवाना द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व कृषि विभाग और पंचायत सचिव की संयुक्त टीम गठित कर खारी छतरी सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में नुकसानी का सर्वे किया जाए। विधायक दिलीप मकवाना ने कहा कि जहां जितना भी नुकसान हुआ है उसका 100% सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख किया जाए, जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। इसके साथ SDO RI को भी खेत तक जाने की नसीहत देते हुए ग्रामीणों को राहत देने की बात कही। उल्लेखनीय है कि बारिश का दौर थमने के बाद से लगातार विधायक दिलीप मकवाना विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक कन्हैया लाल पाटीदार, मंडल अध्यक्ष राकेश पाटीदार, विधायक प्रतिनिधि राजाराम गुर्जर, मंडल महामंत्री गणेश मुनिया, गौरीशंकर कैलाश, शिवलाल एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तो मेरा एक RBC 6-4 में एक टीम गठित कर दो और तत्काल इसमें सर्वे करा लो ताकि किसानों को लाभ मिल जाए और पूरा लाभ मिलना चाहिए, इसकी भी चिंता करना, क्योंकि वास्तव में पूरा 100% नुकसान हो गया है। ये साथ में भी है, सब यहाँ खड़े भी खेत में हम यहाँ हैं। हाँ मैडम आ गई हैं, मैडम आ रहे, मैडम भी है, सोलंकी जी है, हम सभी है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी है, विधायक प्रतिनिधि, हमारे संयोजक है भाई गणेश भाई मुनिया है, सारी टीम है, पर ये वास्तव में नुकसान हुआ और अंकुरित हो रही है इसमें, और तत्काल निर्देशित करके एक मतलब ये दल गठित कर दे RBC 6-4 में, पूरा का पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए और पूरे ग्रामीण में आप तो जांच कर दिखवा लेना, एक छतरी में भी है 200-250 बीघा, यहाँ भी 200-250 बीघा है, वहाँ भी दिखवा लेना। श्री बाबा रामदेव जी की भादा बीज के उपलक्ष में जूनी कलाल शेरी से भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। श्री बाबा रामदेव जी की भादवा बीज के उपलक्ष में जूनी कलाल सेरी से भव्य चल समारोह आयोजित किया गया। चल समारोह से पूर्व बाबा श्री रामदेव जी महाराज मंदिर में प्रातः यज्ञ हवन का आयोजन किया गया था तथा महाआरती के पश्चात समिति सदस्यों ने भव्य चल समारोह आयोजित किया। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचा। मार्ग में अखाड़े के कलाकारों द्वारा प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय धर्मानुजनों के साथ पार्षद उमा रामचंद्र डोई, आयुषी जलज सांखला, मंगल लोढ़ा, बंटी बोरा, विशाल कुमावत, ईश्वर रजवाड़िया, ओम प्रकाश कनोजा, श्याम मकवाना, हितेश रजवाड़िया, कृष्णा चोरसिया आदि उपस्थित रहे।
10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। घर घर स्थापना के साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। दिजाना नेटवर्क पर भी मंगल मूर्ति की विधि विधान से स्थापना करने के साथ पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर दिजाना नेटवर्क के कृष्णा रावत, राजेश सोलंकी आदि मौजूद रहे। रतलाम विकास प्राधिकरण पर भी गणपति बप्पा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर प्राधिकरण अध्यक्ष अशोक पोरवाल, भूसंपदा अधिकारी राजेश उपाध्याय, नीता इसरानी, अंजलि शर्मा, सिद्धार्थ वर्मा आदि मौजूद रहे। नगर निगम स्थित श्री चिंताहरण गणपति मंदिर पर गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर बैंड बाजो, ढोल ढमाकों एवं आतिशबाजी के साथ रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को एक चल समारोह के साथ लाया गया। भगवान श्री गणेश प्रतिमा को अंबेडकर मांगलिक भवन पोलो ग्राउंड से चल समारोह के साथ लाया गया तथा नगर निगम परिसर स्थित श्री चिंताहरण गणपति मंदिर पर विराजित कर विधिवत पूजा अर्चना कर आरती की गई। जन्मोत्सव भादव बीज को श्री मारू भांगी समाज ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। लोक देवता श्री बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव भादवा बीज को श्री मारू भांबी समाज ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर हार्ट रोड स्थित शहर के अति प्राचीन बाबा रामदेव जी मंदिर पर श्री मारू भांबी समाज द्वारा 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया। समाजन भारी वर्षा के बीच चल समारोह में पैदल निकले। चल समारोह के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक हासिल किए हैं। साथ ही समिति द्वारा पिछले 4 माह में लगभग 5 लाख रुपए के कार्य मंदिर परिसर में किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, विशिष्ट अतिथि राज संवद पूर्व विधायक बंसीलाल गहलोत, समाज के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल मारू, जावरा के पूर्व पार्षद प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। अतिथियों ने 20 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शील्ड व प्रोत्साहन राशि भेंट की। भारतीय यूथ बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी गोल्ड मेडल विजेता मोहित जोगचंद को बंशीलाल जी गहलोत ने 50,000 रूपए की राशि भेंट की। साथ ही धर्मशाला निर्माण में 20,000 रूपए का पुनः सहयोग किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष झमक पड़ियार, कोषाध्यक्ष राजेश बोचा, सह कोषाध्यक्ष प्रभुलाल राठौड़, युवा प्रकोष्ठ के गोलू भूमार्चा सहित समस्त युवा कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास शेवाल ने किया व आभार सचिव रविंद्र गहलोत ने माना। आज के लिए बस यही था। फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
डिग्गी भी टकराया था वापस नहीं आया था के नारे लगाते हुए पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को अपने रक्त से संदेश लिखकर मांग पूरी करने का किया आह्वान। मांग पूरी नहीं करने पर पटवारी संघ ने उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। नगर सरकार की हालत मुंह मियां मिट्टू जैसी हुई। भूमि पूजन हुए महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं किया ठेकेदार ने काम शुरू। गड्ढे खोदकर ठेकेदार ने छोड़े डोंगर नगर के रहवासी, खुद ही सड़क के गड्ढों से परेशान। गहरे गड्ढे दे रहे हादसों को निमंत्रण। और ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने किया निरीक्षण। मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को सर्वे कर मुआवजा देने के लिए दिए निर्देश। ग्रामीण विधायक ने कहा कि कोई भी प्रभावित किसान परेशान ना हो उसका ध्यान रखे जिम्मेदार। शिकायत मिलने पर करेंगे सख्त कार्यवाही की भी दी अधिकारियों को चेतावनी।